अरे तो मैं पहले मोरी टाइम में तो पढ़ाई भी हती नहीं सा। मैं खेती बाड़ी जो काम करता, मोरे बडेरे ही करता, मैं ही खेती बाड़ी करता, पढ़ाई की हती को पसे देखता था भाई का। मैं ऑन टाइम में पढ़िया सवा ऊपर गाड़ी हाले नहीं, टाइम रे आधारो पढ़ाया सा। पापा मम्मी का सपोर्ट ही रहा, भैया का सबसे ज्यादा रहा। नहीं ऐसा प्रेशर वगैरह कुछ नहीं था, बस ऐसे बोला फ्री माइंड से पढ़ो हो जाएगा, ऐसा कुछ खास नहीं था, लेकिन लगातार मेहनत करती रही। मुझे पता था कि मेहनत एक दिन मिल जाएगी। आपकी वाली सीट पे पड़ा है। सर इसमें बहुत खुशी हो रही है और मेहनत भी 8-9 घंटे की मेहनत डेली। तो क्या रूटीन क्या रहता था पढ़ाई का, कैसे करते थे? रूटीन सुबह उठ के नाश्ता वगैरह करके कोचिंग जाती थी, कोचिंग से आगे कोचिंग का काम करती थी और फिर शाम को भी क्वेश्चन सॉल्व करती थी और फिर सो जाती थी, फिर सुबह वापस वही। तो क्या चीज़ें थी जिनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था कि परीक्षा में सफल हो जाए? वो तो सर घर की स्थिति देख के सर क्या। तो क्या मतलब फोकस किन किन चीज़ों पर रहता था, कौन से सवाल थे जिनका रिवीजन बार बार करते थे या फिर कौन सी बुक्स थी जो जिनको बार बार पढ़ते थे? ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन जो परिवेश में आता है वो ही लगातार वो ही रहता है। तो वहाँ कोचिंग में क्या दिनचर्या रहती थी, कितने घंटे पढ़ाते थे, क्या क्या पढ़ाते थे? डेली 7 घंटे पढ़ाते थे। फिर उसका रिवीजन कब करते थे? कोचिंग से आके घर पे रूम पे। अच्छा, घर वालों का कितना सपोर्ट मिला? बता रहे हैं कुछ बहनें हैं जो कभी बिल्कुल पढ़ी ही नहीं, एक भाई है। नहीं, हम टोटल 4 बहनें हैं जिसमें 2 तो बिल्कुल नहीं पढ़ी और एक आर्ट्स में चली गई और फिर मैं साइंस ले ली, फिर डॉक्टर बनने का सपना था। तो सपना कब पाल लिया था, कितने साल पहले सपना देखा था और जो कि अब पूरा होने जा रहा है? मैंने 10th से ही सपना पाला। फिर 10th के बाद तो यहाँ साइंस है ही नहीं, फिर कैसे पढ़ाई हुई आपकी? फिर गाँव से मैं 100 किलोमीटर दूर जिले में डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर से ली गई। तो वहाँ कितने साल रहे, क्या परसेंटेज रहे थे वहाँ पे? 11th में 92 और 12th में 92.13। पापा भी पढ़े लिखे नहीं है, पापा भी पढ़े लिखे नहीं है, एक भैया है जो टीचर है, उन्होंने कितना सपोर्ट किया कि नहीं आगे बढ़ना है? पापा मम्मी का सपोर्ट ही रहा, भैया का सबसे ज़्यादा रहा। क्या बोलते थे वो जिस वक्त एग्जाम से पहले, क्या बोले थे कि हाँ इस बार तो नेट क्रैक करना ही करना है? नहीं ऐसा प्रेशर वगैरह कुछ नहीं था, बस ऐसे बोला फ्री माइंड से पढ़ो हो जाएगा। तकरीबन 20 लाख बच्चे बैठे थे, आप बहुत छोटे से गांव से आते हैं जो कि बड़े बड़े शहरों से बच्चे थे, ऐसा क्या था जिसकी वजह से सफलता मिली, कोई खास वजह? ऐसा तो कुछ खास नहीं था, लेकिन लगातार मेहनत करती रही। मुझे पता था कि मेहनत एक दिन मिल जाएगी। तो बच्चे जो इन फ्यूचर जो बैठे हैं परीक्षाओं में, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? उनके लिए यही मैसेज है कि लगातार प्रयास करते रहो, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। और सफलता के लिए कितने प्रयास जरूरी हैं, पहली बार मिल जाती है? पहली बार मिले तो ठीक है और नहीं मिले तो घबराना नहीं और प्रयास करते रहना। बहुत खुशी हो रही है सर। तो क्या पढ़ाई लिखाई में कैसी थी, क्या कहती थी कि सर डॉक्टर बनूंगी या फिर कुछ और बनाने का सपना था, क्या था? ना डॉक्टर बनने की भावना जी हती, सन भावना थे तो हती विचार में ही तो कि बन साऊं कोशिश में थी पूरी। तो कट कट पढ़ाई कराई, कीकर कराई? अन्य सा पादरू पढ़ी, पसे बाड़मेर पढ़ी, पसे सीकर पढ़ाई, दो जगह पढ़ी। तो
आप खुद कभी पढ़े नहीं, बेटी डॉक्टर बनने जा? मारे तो मैं पहले मोरे टाइम में तो पढ़ाई भी हती नहीं सा, मैं खेती बाड़ी जो काम करता, मारे बडेरे ही करता, मैं ही खेती बाड़ी करता, पढ़ाई की हती कोई। पसे देखता तो भाई का मैं आन टाइम में पढ़िया सवा ऊपर गाड़ी हाले नहीं, टाइम रे आधारों पढ़ाया सा बस हम क्या भाई पानी वगैरह कम पड़ रही, हमारा जमीन कम पड़ी, परिवार वृद्ध रिया, पे हम कहूँ करो उन कारण थी भाई वहाँ भी दोहरा वहाँ सौ बच्चा दोहरा नहीं वैसा ये बड़े आप गुजारो कर सके यहाँ कारण सा पढ़ाई है। तो बेटी डॉक्टर बनी बनने जा रही है, उसकी खुशी के साथ साथ इस बात की कितनी खुशी है कि पूरे इलाके की पहली बच्ची है ये? अच्छा खुशी बहुत है सा कि भाई बस अपना गाँव रही सुधार वे, अपना जिला रही वे, तहसील रही वे, अपना हैंग जा हैंग हर एक बात रोवे, अपना पूरा परिवार रोवे, हमने से कोई खुशी वे, सब लोग नेता है उन्होंने खुशी वे भाई हमने बची वे तो बेहतर बढ़िया से बात है। जिन टाइम पढ़ाने वास्ते बाड़मेर मिली थी उन बच्चे सीकर जिन टाइम मिली थी तो कोई कोई ताने नहीं देते थे मैं पढ़ाई डॉक्टर बना वाला है? अच्छा यहाँ के होता हो नहीं कोई? नहीं नहीं कोई कोई ना, आत्मा खुशी थी पढ़ने सही थी मोरे भाई भाई पढ़े तो धकेगा हैंग मले दो भी मल सके विचार भी हुई है। तो जिन टाइम रिजल्ट आए उन टाइम बधाई देने वास्ते कितना मैंने खाई गया गाँव वाले कहीं कहीं खाया आपने? लोगों को बढ़िया हुआ है, खुश हुआ सा हैंग राजी हुआ सा, अच्छा कहूँ वो बरे भी पढ़ा वो कोसी दरा को हैंग भी देखे जो बोले पढ़वारी कोसी दरा के आगे पढ़वारी हैंग कोसी दरा के। तो इन्ना देखे कैसा वो डॉक्टर बन गई तो घेर कितनी जो बच्ची है उनको मिलेगा सब हाँ हम भी कर सकते हैं हम भी बन सकते हैं? हमें हुक्म ये बस आएगा आपकी इच्छा है ना उन्होंने मैं जो मन भावना वे जो वे सके करने भी एक भावना वे करने परिवार रे वे करने बेटो रे वे भाइयों रे वे तो भाई वहाँ पर पढ़ाने बाप री भी वे भाई वहाँ पर परिवार पर सुधरे तो बस सौ काम वे मोरी भी मन में आ भी सारे साथ बाकी रखो।